ओम श्री परमात्मने नमः। तुम कौन हो? इस एक प्रश्न के प्रामाणिक उत्तर पर तुम्हारा समस्त जीवन निर्भर करता है। इस एक प्रश्न के प्रामाणिक उत्तर के अंदर तुम्हारे जीवन की और इस अस्तित्व की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी संकट है, उनका बीज है और उनके निदान की उसी में कुंजी है। उपनिषदों का उद्घोष है तत्वमसि। तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो, तुम शाश्वत सत्य हो। इसका क्या तात्पर्य है? हजारों वर्षों से तो ये कहा जा रहा है। तो क्या ऋषि ये कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर ब्रह्म है? तो ब्रह्म को तो शाश्वत बताया, अविकारी बताया, एक अद्वितीय बताया। ये शरीर तो नित्य विकारवान है, इसका जन्म हुआ है, इसको मृत्यु होगी, और शरीर तो अनंत है, अरबों खरबों हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ब्रह्म, यह सत्य नहीं हो सकता। तो क्या मेरा मन है ब्रह्म या मेरी इंद्रियां हैं ब्रह्म? ये तो सबके सब जन्म और मृत्यु से ग्रस्त हैं और विकारी हैं, इनमें नित्य विकार घटित हो रहा है, और ये अनेकों हैं, जितने भी जीव हैं सबके अपने शरीर हैं, सबके अपने मन हैं, सबकी अपनी इंद्रियां हैं, तो ये तो उसके अनुसार तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो शरीर नहीं हो सकता है ब्रह्म, इंद्रियां नहीं हो सकती है, मन बुद्धि नहीं हो सकते, किनमें द्वैत है, इनमें भेद है, और ये मरण धर्मा जन्म धर्मा हैं, ये दुख सुख से ग्रस्त हैं। तो कौन है तुम्हारे अंदर? वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा सत्य है, वह कौन सा पदार्थ है जिसके संदर्भ में कहते हैं ऋषि की तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो? वह चैतन्य तत्व है, वह संबित तत्व है, उसे ही साक्षी चैतन्य कहते हैं। अतः तुम्हारी चेतना ही अद्वितीय ब्रह्म है। तुम्हारे अंदर बैठा जो साक्षी चैतन्य है, जो प्रत्यगात्मन है, वही अद्वितीय ब्रह्म है, वही अखंड सत्य है, वही अद्वैत तत्व है, वह एक अजर अमर अविनाशी सर्वाधिष्ठान सत्य है, और वही तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है। तो इस महावाक्य का तात्पर्य है कि तुम्हारी चेतना ही अद्वितीय ब्रह्म है। थोड़ी देर के लिए इस अद्वितीय शब्द को समझते हैं। अद्वितीय का तात्पर्य है कि उसमें दूसरा कोई नहीं है, बस एक ही है, वह अखंड अविभाज्य तत्व है, नॉन ड्यूअल। उसमें द्वैत की संभावना नहीं, वह एकमात्र तत्व है, वह एकमात्र सत्य है, उसे ही अद्वितीय कहा जाता है। तो वह जो तुम्हारा चैतन्य तत्व है, जो तुम्हारी चेतना है, वही इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव की और समस्त जगत के अंदर जो अंतरात्मा के रूप में व्याप्त है, वह तुम्हारी आत्मा ही सबकी आत्मा है, और उसे ही अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं। इस तत्व को सम्यक प्रकार से हम ग्रहण कर पाए अपने जीवन के उद्धार के लिए, तो आज मैं भगवान शंकराचार्य की अमर रचना अपरोक्षानुभूति का एक सूत्र लूंगा और उसके माध्यम से इसका स्पष्टीकरण होगा। अपरोक्षानुभूति का 43वां श्लोक है, उसका पहले श्रवण करें और उसके आधार पर उसकी व्याख्या करूंगा, इसी तत्व की, नानात्व की और एकत्व की। चैतन्यस्येकरूपत्वात् भेदो युक्तो न कर्हि चेत् जीवत्वं च मृषा ज्ञेयम् रज्जौ सर्पग्रहो यथा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि चैतन्य तत्व जो है, जो चैतन्य सत्ता है,
अर्थात जो तुम्हारी अपनी जो जिस जो चेतना है, जो नित्य अनुभूति कर रही है, जो सब जानती है, सब देखती है, वही जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, उसमें भेद की कोई संभावना नहीं है, अद्वैत संभव नहीं है, वह अखंड सत्ता है, वह अविभाज्य सत्ता है। इसलिए चेतना में चैतन्यस एक रूपत्वात्, वह एक रूप है, होमोजीनियस मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, उसमें भेद संभव नहीं है, वह अखंड अद्वितीय तत्व है, एक वह एक तत्व है, उसमें द्वैत की कतई कोई संभावना नहीं है। चैतन्यस एक रूपत्वात् भेदो युक्तो न कर्षित, उसमें भेद अर्थात विभाजन अर्थात द्वैत की कतई किंचित मात्र भी कोई संभावना ही नहीं है। अर्थात तुम्हारी जो चेतना है, जो तुम्हारी अपनी आत्मा है, उसमें भेद की, विभाजन की, खंड की, द्वितीयता की कतई कहीं किंचित मात्र भी संभावना ही नहीं है। यह संभव है कि वह दो हो जाए। इसलिए जो ये जीवत्व है, जीवत्व जीवत, ये समस्त जो जीवत्व भाव है कि मैं जीव हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे पिता है, मेरी माता है, मेरा सगा है, संबंधी है, मित्र है, शत्रु है, ये जो जीव भाव, ये सीमित शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म करके जो इस पुरुष ने अपने को शरीर घोषित कर लिया है, मर धर्मा सुखी दुखी, वह तो अज्ञान के कारण हो रहा है। ये शरीर में सूक्ष्म और स्थूल शरीर के साथ ये उपाधियां हैं, ये सूक्ष्म और स्थूल और कारण शरीर, ये सब के सब कल्पित हैं, ये उपाधियां हैं, इनके गुण धर्म को तुमने अपनी चेतना पर आरोपित कर दिया है। जो चेतना एक अद्वैय अखंड अविनाशी है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो नित्य आनंद स्वरूप है, तो उस पर ये शरीरों के धर्म गुण धर्म को आरोपित करके इनमें भेद कल्पित हो गया है। इसी से जीवत्व और जगतत्व भासित हो रहा है। इसलिए वास्तव में जो जीवत्व, नानात्व को जीवत्व कहते हैं, ये जो ननात्व है, मैं जीव हूँ, अमुक जीव हूँ, मेरा नाम ये है, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, अब मनुष्य में भी मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं पुरुष हूँ, नारी हूँ, वृद्ध, ये जो भिन्न भिन्न जो जीवत्व का जो भाव है, ये सब कल्पित है, ये मिथ्या है। इसी तरह से ये मिथ्या है जिस प्रकार से जो संध्या काल में अंधेरे में कभी रज्जु का सम्यक बोध न होने के कारण, रस्सी का ठीक ठीक से ज्ञान न होने के कारण भ्रम हो जाता है उसमें सर्प होने का, किसी को भ्रम हो जाता है उसमें सर्प होने का, किसी को उसमें दंड होने का भ्रम हो जाता है, किसी को पानी की लकीर लगती है। तो जो वास्तविक वह जो वस्तु है उसका सम्यक बोध न होने के कारण दूसरी जो घटना घटती है भ्रम हो जाता है। तो जो तुम्हारा अपना जो मौलिक स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो चैतन्य अद्वितीय चैतन्य तत्व हो, उसका अज्ञान हो जाने के कारण उसी में भ्रम हो गया है इस नानात्व का। वह एक अद्वितीय ब्रह्म ही कल्पित इस जगत को नानात्व के रूप में देख रहा है। मैं हूं दृष्टा और ये अनंत जीव भी मेरी तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन मुझसे भिन्न है सब के सब। तो जो भिन्नता है, जो भेद है, ये सब की सब एक उसी चैतन्य सत्ता जो है, जो सार्वभौम सत्ता है, जो शाश्वत है, अनंत है, अद्वैतत्व है, जो इस जगत में नाम रूपात्मक समस्त जगत, समस्त जीवधारी हैं, सबका अधिष्ठान वही है, उसी में कल्पित है, उसी में आभासित है, प्रतीति इसकी हो रही है। न जीवत्व का कोई स्थान है, न इस जगत का कोई स्थान है, इसलिए तुम जीव नहीं हो। और यह जगत भी जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें दुखी कर रहा है, जगत के की वस्तुएं, जगत के पदार्थ, जगत के दृश्य तुम्हें आकृष्ट कर रहे हैं, उनमें आसक्ति बन रही है, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्रोह, द्वेष, ये सब की सब वही जो कल्पित जो सर्प है, जो डरा रहा है, वहां वस्तु तो है रस्सी, लेकिन वह जो सर्प है
भ्रमित होकर के आरोपित होकर के डरा रहा है, उसी प्रकार से जो तुम्हारे समस्त दुख हैं, मृत्यु का, दरिद्रता का, दुख का, रोग का, जो भी दुख हैं, ये सब के सब तुमने अपने को जीव मान रखा है, जीवत्व की जो कल्पना है, मिथ्या कल्पना है, इसके कारण है। अब तुम अपने आप को अपने शिवत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ, जो देह भाव में देह को ही तुमने आत्मा मान रखा था, अब तुम जानो, जो उपनिषदों का उद्घोष है और भगवान आदि शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि यह जो तुम्हारा जो भेद है, जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न यह जो देह है, जो जीव है, उसमें जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न चेतना है जो तुम्हारे अंदर प्रकाशित कर रही है, प्रत्येक अनुभूति को, तुम्हारे जीवन को संचालित कर रही है, वह जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व है, वह तुम्हारे अंदर, वह तुम्हारी आत्मा है। उसे न देश बाधित कर सकता है, न कोई काल बाधित कर सकता है, न कोई वस्तु उसे सीमित कर सकती है। वह एकमात्र सत्य है, वह समस्त काल, समस्त देश और समस्त वस्तु उसमें और उससे कौलित है, वह किसी से कौलित नहीं है, वह एक अद्वितीय सत्य है। वही अद्वितीय तत्व, वही अद्वितीय ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म तुम हो। लेकिन जिस प्रकार से स्वर्ण तो एक है, समस्त जो आभूषण बन रहे हैं, हार, हार एक नाम है, हार बन गया, सोने की चूड़ी बन गई, सोने के अंगूठी बन गई, पैजनी बन गई, बाजूबंद बन गया, लेकिन वास्तव में ये जो नाम है, हार, चूड़ी, कंगन, वास्तव में इनका ये पदार्थ है कोई? कंगन नाम का कोई पदार्थ है? हार नाम का पदार्थ है कोई? नहीं। ये सब ये नाम वाणी के विकार हैं, कल्पित हैं। तत्व क्या है, द्रव्य क्या है? द्रव्य है स्वर्ण, सोना। उसी प्रकार से मिट्टी के विभिन्न पात्र, कलश, दिया, चुकड़, ये पदार्थ नहीं है, ये नाम है। उनका पदार्थ क्या है, तत्व क्या है जिससे बने, वह एक है, वह मिट्टी है। उसी प्रकार से जो जीव जगत और जीवों में मनुष्य, पशु, पहाड़, पर्वत, चर अचर, चेतन जड़, ये सब के सब मिथ्या कल्पना है। जीवत्वम च मृषागेयम, ये जो तुम्हारा जीव भाव है, अपने को सीमित, मरण धर्मा, दुखी, एक अकेला, भय से ग्रस्त, नित्य रोग भय से ग्रस्त जो जीव मान रहे हो, वह मिथ्या है, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं और उपनिषदों का उद्घोष है। क्योंकि यह कल्पित, आरोपित तुम्हारा परिचय है। तुम्हारा पारमार्थिक, अत्यंतिक परिचय तो यह है कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हो, अर्थात तुम्हारी जो चेतना है, जो तुम्हारा साक्षी चैतन्य है, जो प्रतिदिन के, प्रति मिनट के, प्रत्येक तुम्हारे जीवन को अनुप्राणित, संचालित कर रही है वह सत्ता, और वही अनुभूति कर रही है सुबह से शाम तक, वही देख रही है, जान रही है, वही जो तुम्हारी चेतना है, वह जो लग रहा है कि इस शरीर से बाधित है, सीमित है, परंतु वह अनंत अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है, वही तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है। और उसको जान लेना श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत, इन तीनों विधियों से जब उसका बोध हो जाता है तो तुम कृतकृत्य हो जाते हो, तुम मृत्यु और भय से छूट जाते हो सदा सदा के लिए। उसे ही मोक्ष कहते हैं, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हो, तुम सच्चिदानंद घन जो नित्य उपलब्ध वस्तु है, तुम में मृत्यु की कहीं कोई संभावना नहीं, तुम में सीमित कुछ कोई संभावना नहीं है, तुम्हें अभाव भय की कोई संभावना नहीं है। भय तो दूसरे से होता है, तुम अद्वितीय तत्व हो और तुम्हारे परे, तुमसे इतर, तुमसे बाहर कोई ब्रह्म नहीं, कोई तत्व नहीं, तुम ही आनंद के अनंत भंडार हो, महासागर हो, तुम ही शाश्वत अस्तित्व हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही शिव हो। अपने स्वरूप को जान करके अपने आप में तृप्त हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे और उद्घोष कर बैठोगे पुनः अपने इस तत्व को जान करके, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।